हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज की क्लास में भी हमने प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्विज रखा है। कल भी मैंने क्विज रखा था और आज भी इसके ऊपर क्विज है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कल, तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं आज क्विज के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरी टीम की तरफ से वेलकम है आप सभी को। आप सबकी रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते रहिए। डेफिनेटली एग्ज़ाम टाइम पे जब आप पहुंचेंगे तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो आपका स्कोर आने वाला है दोनों हाई रहेगा, ठीक है। और ये है हमारी अनअकैडमी प्लस वाली टीम, ठीक है। अनअकैडमी प्लस की टीम यहाँ पर है। टाइमिंग्स के बारे में बताया था, मॉर्निंग में 11 बजे हम मिलते हैं अलजेब्रा के लिए और शाम को 8 बजे हम मिलते हैं किसके लिए, पार्ट है हमारा कैलकुलस के लिए, ठीक है। 8 o'clock कैलकुलस और मॉर्निंग 11 o'clock हम मिलते हैं अलजेब्रा के लिए, जिसमें आज तो है प्रोबेबिलिटी, कल से हम डिटर्मिनेंट इसके अंदर पढ़ेंगे फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और शाम को जो मैं रेगुलरली डिफरेंशिएशन के आपके लिए क्विजेस लेकर आ रहा हूँ उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। उसके बाद हम कपल ऑफ डेज के बाद वी विल स्टार्ट AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आप बार बार बोल रहे थे वो वाला चैप्टर हम इसके अंदर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और गोल सेट करिए IIT JEE का, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है आप लोग के लिए। फिर अपने आए एजुकेटर्स को आप फॉलो करिए, ये है मेरी प्रोफाइल, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी मैं अपडेट वहाँ पर डालता हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलने लग जाएंगे, कब कब कौन कौन सी क्लासेस मेरी आ रही हैं, कब कब कौन कौन सी स्पेशल क्लासेज, फ्री क्लासेज या रेगुलर क्लासेज आ रही हैं, तो इन सबका इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलता चला जाएगा। तो अब मैंने आपको YouTube की जो टाइमिंग्स बताई हैं उसके बाद मैं आपको प्लस वाले टाइमिंग्स भी बता देता हूँ। पहले जो टाइमिंग है उसको आप देखिए, कंप्लीट कोर्स ऑन अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसकी टाइमिंग रहती है 1 o'clock, 1.5 hours की क्लास होती है। और दूसरा जो कोर्स है वो रहता है इवनिंग में 6 PM पर, जिसमें मैं कैलकुलस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत इसेंशियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप खुद भी इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि बिना अकेले, बिना टीचर्स की हेल्प के, बिना किसी नोट्स की हेल्प के जब आप अकेले टेस्ट देने देते हो तभी आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपके एक्चुअल में मार्क्स आ कितने रहे हैं, ठीक है। अब इसके कोर्सेज की जो जो प्लेटफॉर्म है प्लेड अनअकैडमी प्लस, उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स बता देता हूँ कि 48,000 का आपका कोर्स है अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, और ये आपको मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद अगर आप यूज़ करते हैं ये वाला कोड ओमसर, तो दिस विल बी रिड्यूस टू 43,200, ठीक है। सो अप्लाई बाय अप्लाइंग 10% ऑफ कोड आपको ये मिल जाएगा 43,200 2 ईयर का प्लान। अगर हम 1 ईयर के प्लान करते हैं यानी कि आप ड्रॉपर हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप 30,000 में इसको ले सकते हैं, साल भर का आपका सब्सक्रिप्शन, और फिर आपसे ये कोड लगाइए तो आपको ये मिलेगा 27,000 का, ठीक है। तो रिमेंबर दिस कोड, कैसे अप्लाई करना है उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर मैं लगा दिया है कि आप ऐप पर जाएंगे, आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, मेक टू प्रोसीड टू पेमेंट की तरह जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स की तरफ यहाँ दिखेगा, वहाँ पर आपको कोड लिखना होता है। तो नाम बहुत सिंपल सा है, जिस नाम से आप मुझे जानते हैं वही नाम है ओम सर, आप लिखेंगे आपका 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आते हैं हम आज के ऊपर, वाई प्लस सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। पहली बात तो वन सब्सक्रिप्शन है और यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस, सभी एजुकेटर्स का कंटेंट आपको मिलेगा सेम टाइम पर, आप अपनी सहूलियत या टाइमिंग के हिसाब से एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, लाइव पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा है, कभी कोई क्लास मिस हो जाए आप रेगुलरली उसमें फिर रिकॉर्डिंग भी उसकी देख सकते हैं, कभी कभी होता है टाइम कहीं आप बिजी हो गए या कुछ और हो गया तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाते हैं, डेडिकेटेडली डाउट सेशंस यहाँ पर आपके लिए रहते हैं, आप उनमें भी पार्टिसिपेट करिए, डेफिनेटली आपकी बात बनती चली जाएगी। और लोएस्ट चार्जेस है, रियल टाइम इंटरेक्शन एजुकेटर्स के साथ रहता है, टेस्ट सीरीज का फीचर बता ही दिया हूँ, बस रिमेंबर दिस कोड व्हेन यू गेट एडिशनल 10% ऑफ डिस्काउंट। चलिए आज का सेशन क्विज का प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आज का, टाइमर स्टार्ट हो गया है, कोशिश करिए इसको बनाने की, कैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको पढ़ना है और इसको ट्राई करके मुझे बताना है कि क्या इसके आंसर आपके पास निकल कर आते हैं। तो शुरू हो जाइए सभी। x1 x2 x3 x50 आर रियल नंबर सच दैट xr इज लेसर देन xr+1, यानी अब इसका मीनिंग समझिएगा, 5 numbers आर टू बी पिक्ड अप एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 5 numbers हैज x20 एज मिडिल ऑफ द टर्म। कोई हिंट नहीं है, क्वेश्चन का मीनिंग आप ही को निकालना है, इसका मीनिंग क्या निकलता है और आप ही को इसके अकॉर्डिंग इसको मार्क करना है। बनाइए, कोशिश करिए बनाने की।
ट्राई करते रहिए, एक एक लाइन का आप मतलब निकालने की कोशिश करो, इसके अंदर आप पहुंच जाएंगे आंसर तक, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन सी योर रेस्पॉन्सेज, आप क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं, बट यही रहेगा कि आप एक ऑप्शन पर टिक करके रहें, एक नन ऑफ दिस डेंजरस ऑप्शन भी इसके अंदर है। सो वन अराउंड वन मिनट एंड टेन सेकेंड्स आपके लिए लेफ्ट हैं, 70 seconds, तो 70 seconds का खेल बाकी है अभी, बनाइए इसको ज़रूर। तो 70 seconds बनाइए, कोशिश करिए क्या इसका आंसर आप मार्क करेंगे। एक एक लाइन एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं, 50 नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, x1 से x2, और x1 इज लेसर देन xr प्लस 1 है, यानी x1 की वैल्यू सबसे छोटी है, फिर x2 की वैल्यू है, फिर x3 की वैल्यू है, यानी x50 सबसे बड़ा नंबर है ये बोला गया है। 5 नंबर पिक कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ केसेस में तो किसी को डाउट होगा ही नहीं कि टोटल कितने केसेस आने वाले हैं। टोटल कितने केसेस हैं इसमें तो मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा कि कितने केसेस रहने वाले हैं। लास्ट 20 सेकेंड से बनाने की कोशिश करिए किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। प्रोबेबिलिटी दैट द 5 नंबर्स है x20 एज मिडिल टर्म, x20 मिडिल वाली टर्म रहनी चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, बनाइए, बस टाइम अप हो चुका है, आपको एडिशनल 30 सेकेंड और दे देता हूँ, आप ट्राई कर लो, और अगर आपने रिस्पॉन्स दे दिया है तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, आ जाओ। देखिए, 5 नंबर्स ऑफ पिक्ड एट रैंडम लिखा हुआ है यहां पर, कि रैंडमली हम 5 नंबर्स पिक करेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 नंबर्स हैव x20 इन द मिडिल। अब एक बात मुझे समझाइए, x20 मिडिल में आए, इसका मतलब यह है कि 2 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेके 19th के बीच में से पिक किए गए हैं, 1 से 19 के बीच में से पिक किए जाएंगे तभी वो नंबर इसके लेफ्ट में लाई करेंगे, और 2 नंबर ऐसे होंगे जो कि x21 से लेके x50 के बीच में से पिक किए गए होंगे, 2 नंबर्स यहां से होंगे, एक नंबर तो ये खुद है ही सही। सो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर्स हैं कितने अपने पास, 50 नंबर हैं, 5 नंबर पिक कर रहे हैं, कितने पिक कर रहे हैं, 5 नंबर पिक कर रहे हैं, एक नंबर तो ये खुद है, तो बसती है बात, यानी 2 नंबर पहले 19 नंबर्स में से पिक कर रहे हैं, तो हम पिक कर देंगे 19C2, एक ये खुद आ ही चुका है। अब 21 से लेके 50 तक कितने नंबर्स होते हैं आप बताइए, 20 चले गए तो 30 बचे, 21 से 50 में 30 नंबर्स होते हैं, उन 30 नंबर्स में से हम 2 नंबर पिक कर लेंगे, सो आई विल राइट इट 30C2। ठीक है, हमने ये बात बनाई, कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि आंसर में आना चाहिए, 30C2 यहाँ भी है, 50C5 है, यहाँ 20C2 है, यहाँ 19C2 है, करेक्ट, बी इज द आंसर, बी हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कोशिश करिए आप इसका आंसर बनाने की, क्या आपका क्या आंसर आता है निकाल के बताइए मुझे, मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आना चाहिए, बी इसका आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप इसी टाइम में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना और ट्राई भी करना है, बनाने की कोशिश करिए क्या है, अगर मुझे लगेगा कि टाइम कम पड़ रहा है देन फिर आई विल लुक फॉर मोर टाइम। ठीक है, बनाओ आप लोग, देखते हैं क्या लिख रहे हैं आप लोग, यू हैव 2.5 minutes। समझाओ मैं, एक स्फीयर सर्कमस्क्राइब्ड ओवर अ क्यूब, एक क्यूब के ऊपर एक स्फीयर है, ठीक है, बनाइए, That a point lies inside the sphere but lies outside the cube. That's the point. कि क्यूब के बाहर होना चाहिए और स्फीयर के अंदर होना चाहिए, ये बात हम चाहते हैं, तो बस छोटी सी ज्योमेट्री आपको लगानी है इसके अंदर कि क्या रिलेशन हमारे इसके आने चाहिए। बनाओ बनाओ बनाओ, सफिशियंट टाइम है, आप एक क्यूब बनाओ, स्फीयर बनाओ, उसके बाहर एक रिलेशन निकालने की कोशिश करो, आप पहुँच जाएंगे आंसर तक, डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। चारों ऑप्शन है ABCD, और मजे की बात यह है कि नन ऑफ दीज भी यहाँ पर नहीं है, नन
None of these भी यहाँ पर नहीं है. थोड़ा सा स्पैमिंग से बचा करें और अपने टाइम को यूटिलाइज करते रहें. सभी कोशिश करते रहें कि जितना आप सीखना चाहते हैं उतना आप टाइमली बेसिस पर सीखते चले जाएं. ठीक है, बनाइए बात. थर्टी सेकेंड्स. बना लिया आंसर आप लोगों ने? ए बी सी डी क्या आंसर आप लोगों को लगता है? उस पर जो भी आपको लगे एक बार स्टिक रहना उस आंसर पर, चेंज करने की कोशिश मत करना. वैसे आपको एक चीज तो लग रहा होगा कि सर एक आंसर तो इसका आ ही नहीं सकता. मालूम है कौन सा आंसर नहीं आ सकता? बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमसे प्रॉबेबिलिटी पूछी जा रही है. ये तो आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो एक से ज्यादा है. बचते हैं तीन ऑप्शन हमारे. इसके अगर हम तुक्का भी मारे तो भी हमारे चांसेस बढ़ गए. ठीक है, पहले चार ऑप्शन थे, अब तो हमें आंसर पता है इन्हीं में से कुछ होगा. आ जाओ बनाते हैं. तो सबसे पहले टाइम तो आप हो ही चुका है. स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर नहीं क्यूब, क्यूब बना दीजिए. क्यूब और स्फीयर में रिलेशन हमको निकालना है. एक बात आपके समझने की यह है कि जब हम क्यूब के बाहर से स्फीयर बनाएंगे तो जो इसका मेन डायगोनल होगा वो उस स्फीयर वहां से पास होगा, यानी उस डायगोनल जो बनेगा, इनका मेन डायगोनल जो होगा वो उस स्फीयर का डायमीटर बन जाएगा. तो जो मेन डायगोनल होता है उसकी हम बात करते हैं कि अगर ये है साइड ए, ये वाला साइड भी अगर ए है तो मेन डायगोनल यहां से लेके यहां तक रहेगा. ये करा दिया मैंने ज्वाइन. आपको मालूम होगा इसकी लेंथ कितनी आती है. तो ये स्फीयर जो होगा इसके बाहर होके जाता है, ऐसे बनता है स्फीयर. ठीक है, तो ये मान लेंगे इसकी रेडियस तो हो गई आर और आर टू आर, और ये लेंथ कितनी आती है. ये साइड भी ए रहेगा और नीचे वाले पर यहाँ हम पहुँच जाएंगे रूट टू ए. तो जो टू आर है इसका लेंथ आ जाएगा रूट थ्री ए. तो आपके पास रिलेशन आ गया है. हमें ये बोला है कि स्फीयर के बाहर आउटसाइड द क्यूब हो, तो क्यूब के बाहर वाला जो पोर्शन है उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी को हम लिख लेते हैं. इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी हो कि वो क्यूब के अंदर हो, तो बाहर वाला डेटा अपने आप आ जाएगा. क्यूब की प्रोबेबिलिटी तो टोटल कितना है अपने पास, फोर पाई आर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम वन क्यूब. बिकॉज ये थ्री डी में है तो प्रोबेबिलिटी का फंडा लगेगा फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम. तो फेवरेबल वॉल्यूम क्यूब के अंदर हो तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब अपॉन फोर पाई आर थ्री आर क्यूब. आपके पास आर का डेटा है, आप चाहें तो रख सकते हैं. यहां पर ए क्यूब है, वही कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही बात है. यहां हम रखेंगे तो ये बनेगा थ्री रूट थ्री ए बाय टू होल क्यूब. वन माइनस थ्री बाय पाई, तो यहां से आएगा आपके पास एट आएगा ऊपर जाते ही, और यहां से आ जाएगा थ्री रूट थ्री. ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. आप पहुंचते हैं यहां से टू अपॉन वन माइनस टू अपॉन पाई रूट थ्री. ए ऑप्शन इज द आंसर, ए आंसर निकल के आ रहा है यहां से. ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन कि क्यूब के बाहर एक स्फीयर है, उसको हमने देखना कि हम क्यूब के बाहर जाएं, सर्कमस्क्राइब करते हुए स्फीयर के अंदर जाएं, तो वन माइनस क्यूब के अंदर वाला, तो एक रिलेशन निकालना था. इट्स वेरी इजी. तो क्यूब है, ये साइड ए है, ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बन जाएगा रूट टू ए, पाइथागोरस लग जाएगा, और ये डायगनल का लेंथ आ जाएगा रूट थ्री ए. जैसे आपको पता भी होगा, आप तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि क्यूब का जो मेन डायगनल होता है उसकी लेंथ जो होती है वो होती है रूट थ्री ए. साइड्स होती है, फंडा लगा दिया, आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. जिन्होंने का सही आया शाबाश, उनको बधाई.
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाओ करने के लिए प्रोबेबिलिटी का कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। कोशिश करिए, बनाते रहिए, बन जाएगी बात। दैट अ नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 10 to 99। 10 से 99 के बीच में एक नंबर चूज करना है। बाय सीइंग द नंबर मैन विल लाफ इफ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। मैं उस नंबर को पिक करके अगर हंसता हूं तो तब हंसूंगा अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई 12 आता है। ठीक है, दैट्स द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इफ ही चूजेस थ्री नंबर्स विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो नंबर चूज किया उसको वापस रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लाफ एटलीस्ट वंस, एक बार तो कम से कम मैं हंसना चाहिए। इज अ बिट ऑफ कॉमेडी क्वेश्चन, बनाने की कोशिश करो क्या आप लोग लिख रहे हैं, बनाते जाइए, पहुंच जाएंगे आप आंसर तक। टाइम है आपके पास अभी। सो नंबर इज चोजन एट रैंडमली फ्रॉम नंबर, ये तो बना दो यार, इससे आसान क्वेश्चन है, तो सारे इजी हैं। पर एक्चुअली एक बात है, इफ आई से इजी तो फिर आप लोगों को लगता है अच्छा ये आसान है क्या, फिर तो मैं कर लूंगा। सो बेटर ये कि मैं कुछ बोलूँ ना, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं ये बोलता हूँ ये क्वेश्चन ईजी है तो आप सोचते हो अच्छा ईजी क्या, फिर तो मैं कर लूँगा, या मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन टफ है तो फिर आप लोगों को थोड़ा लगता है अरे यार टफ है तो कैसे होगा। ठीक है, सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल बी कीप क्वाइट ताकि आप लोग अपने हिसाब से करते रहें। सो स्टेक एज अ फ्रेश क्वेश्चन, अटैम्प्ट करो, आंसर निकालो कि क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, कल वाली क्लास से हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे, और आपको अगर और प्रैक्टिस करनी इसकी प्रोबेबिलिटी की तो मुझे बता देना, मैं और आपके लिए इसके लिए क्विजेस रख दूंगा, जैसा आप बोलेंगे वही होगा जो आप बोलेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर और क्वेश्चंस चाहिए प्रोबेबिलिटी के तो हम और क्वेश्चंस कर लेंगे प्रोबेबिलिटी के। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या होने वाला है। ठीक है, बना दो बात। सो नंबर इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द नंबर 10 to 99। बाय सीइंग ए नंबर अ मैन विल लाफ इफ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। If he chooses three numbers with replacement, then probability that he will laugh at least once. पहुंच गए किसी आंसर पर, बोलो A, B, C, D. At least वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, किस तरीके से हम इसको टैकल करना चाहिए। At least word लिखा हुआ है। Okay? Last 10 seconds. Sure हो जाइए क्या आंसर आएगा, A या B? या फिर सी या डी, सिंगल करेक्ट है, ट्राई करिए, लॉक कर दीजिए जो आपका आंसर आता है फटाफट से कि आप क्या आंसर बनाते हैं। ओके, आ जाइए, चलिए टाइम अब भी हो गया, मैं बता भी देता हूँ। एक बात बताइए कि 10, 11, 12, 13 ये सारे नंबर्स हैं, इसमें 98, 99 तक मैं जाने वाला हूँ, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आता है, आप ही बता दीजिए मुझे। आई थिंक मेरे हिसाब से एक तो नंबर 26 है, दूसरा नंबर 62 है, तीसरा नंबर 43 है, चौथा नंबर 34 है, और तो कोई नंबर मुझे नज़र आ नहीं रहा जिनके डिजिट्स का मल्टीप्लाई 12 आता हो। 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 1 × 12 हो सकता है, लेकिन वो तो फिर डबल ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है। डबल डिजिट में बनाना है तो डबल डिजिट के लिए चार ही नंबर पॉसिबल है कि इन सब के प्रोडक्ट डिजिट्स के 12 आते हैं। प्रोडक्ट 12 आता है ये सारे नंबर्स हैं। हमसे पूछा है कि आई शुड हैव ए लाफ एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस की बात की जाती है जब भी, तो हम क्या कोशिश करते हैं, एटलीस्ट वंस का मतलब होता है 1 - probability no laugh। सो 1 - हंसी आनी नहीं चाहिए। अब 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते हैं, 90 नंबर होते हैं, भाई पहले 9 नंबर ही तो गए, बाकी 99 में से 9 हटा देंगे यानी 90 नंबर। सो 90 नंबर्स हैं अपने पास और एक बार भी हंसी नहीं आनी चाहिए, तो 90 में से कितने नंबर हटाने पड़ेंगे, 4 नंबर हटाने पड़ेंगे, तो कितने नंबर्स हैं टोटल 90 में से, 4 हटा देंगे 86 बचेंगे।
86/90 ये प्रोसेस विद रिप्लेसमेंट हुआ है तो नंबर कम नहीं होंगे, विद रिप्लेसमेंट है तो यही नंबर तीनों बार आ जाएगा आपके पास, 86/90 86/90 86/90। सो 1 - 43/45 इसका बन जाएगा होल क्यूब। बी, जो बी आंसर इसका नजर आता है कि बी आंसर इसका ठीक है, एटलीस्ट बोला था तो 1 - देयर शुड बी नो लाफ बना दिया, एंड तीन नंबर चूज किए थे तो ये काम तीन बार होना चाहिए था, तो अब हम मार्क कर देंगे बी ऑप्शन। आई होप आप में से कुछ लोगों का ये तो आंसर मैच कर गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आपके तैयार रहिए। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए क्या पूछा जा रहा है, कोई हिंट नहीं है जैसा मैंने प्रॉमिस किया, आई वॉन्ट से इवन अ सिंगल लाइन, आप ही को डिसाइड करना है बात कहाँ जा रही है, ये भी नहीं बोलूँगा क्वेश्चन आसान है क्वेश्चन टफ है, यू डिसाइड, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। कोई हिंट नहीं है, नीदर आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन। बट जब सॉल्यूशन की बात आएगी मैं आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन का मतलब समझा दूंगा कि क्या हो रहा है। वन मिनट बाकी, चलो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, तो पढ़ देता हूँ। गिवन लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड एट रैंडम इनटू 3 पार्ट्स, एक लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे फॉर्म अ साइड्स ऑफ अ पॉसिबल ट्राइंगल। ओके, एक लाइन सेगमेंट के 3 टुकड़े हुए, हम चाहते हैं 3 टुकड़े तो हम कभी भी कर सकते हैं, चाहते ये हैं कि वो तीनों ट्राइंगल बनाए। ठीक है, ट्राइंगल बनाने के लिए ट्राइंगल का रूल पता होना चाहिए, क्या होता है ट्राइंगल का रूल, कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इस वाले रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि भाई दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए तब बनता है ट्राइंगल, ये हमारी फेवरेबल कंडीशन है। तो उस लाइन सेगमेंट के 3 टुकड़े आपको करने, आप सोचिए कैसे करें इस क्वेश्चन को, ज्योमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है, किसका क्वेश्चन लग रहा है आपको, ये प्योर ज्योमेट्री है। एक लाइन सेगमेंट है, लेंथ मान लो उसकी एल, कोशिश करो बनाने की कैसे इसको एड्रेस किया जाए, किस तरीके से इसको बनाया जाए, बन जाएगी बात। टाइम अप हो गया, चलो मैं बता देता हूं, आ जाओ, यह है लेंथ लाइन एल और इस पर 3 टुकड़े किए गए, एक लेंथ मान लेते हैं एक्स है, एक और लेंथ मान लेते हैं वाई है, तीसरी लेंथ को जेड मानने की जरूरत नहीं, टोटल लेंथ एल थी, तीसरी लेंथ आ जाएगी एल माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल कंडीशंस की बात करते हैं, टोटल कंडीशंस क्या हैं, देखो तीनों आए हैं टुकड़े तो यानी तीनों लेंथ के टुकड़े के बीच में 0 से L के बीच में लेंथ रहेगी, नेगेटिव में तो होंगे नहीं ये सारे डेटा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए सेकेंड वाले इस वाले केस को, ये तो आ गए आपके टोटल कंडीशंस। ठीक है, ये सब तो टोटल कंडीशंस आ गई, अब बारी आती है फेवरेबल कंडीशन की, फेवरेबल कंडीशन क्या है वो देखिए, सर एक एक्स एक वाई क्यों माना है, क्योंकि एक लेंथ कितनी भी हो सकती है, दूसरी लेंथ भी कितनी भी हो सकती है, लेकिन तीसरी लेंथ वो तो एल में से सब्सट्रैक्ट होकर आएगी,
ये दोनों तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है दोनों की लेंथ जीरो से एल के बीच में ही रहनी चाहिए। अब ट्राइंगल बनने का रूल क्या है? ट्राइंगल बनने का रूल है कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो सम ऑफ टू साइड दैट इज एक्स प्लस वाई, इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो सम ऑफ टू साइड यानी एक्स और दूसरी साइड है एल माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड दैट इज वाई। सम ऑफ टू साइड्स एल माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आप यहां से सॉल्व करिए, आप पहुंच जाएंगे x प्लस वाई की वैल्यू l बाय टू से कम आएगी। एक सेकेंड, इसको मैं इधर लेता हूं, ग्रेटर देन l बाय टू आएगा। तो सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो आई एम गेटिंग दिस इज ग्रेटर देन l बाय टू। यहां से आप सॉल्व करिए, x x कैंसिल है, y शुड बी लेसर देन l बाय टू, y से y कैंसिल है आपके पास, आप पहुंचेंगे x शुड बी लेसर देन l बाय टू। तो ये कंडीशन है आपकी फेवरेबल वाली कंडीशन, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो ये 1D का नहीं 2D का क्वेश्चन है। तो आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। एक एक्सिस पर हम x ले लेंगे, दूसरी एक्सिस पर हम y ले लेंगे। कंडीशन को देख लो एक बार, 0 से L, x प्लस वाई लेसर देन L। टोटल कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, 0 से L, x प्लस वाई 0 से L। और फेवरेबल कंडीशंस की बात भी करते हैं, जितनी याद है उतनी तो लिख ही देते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन L बाई टू, x लेसर देन L बाई टू एंड y लेसर देन L बाई टू, यही डेटा आए थे, यही थे डेटा। आओ बनाते हैं। तो पहले टोटल कंडीशंस बनाते हैं। x की वैल्यू 0 है, ये वाली लाइन आएगी अपनी x इक्वल टू l, ये वाली लाइन आएगी y इक्वल टू l। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल होता है, और ये वाली लाइन आएगी x प्लस y इज इक्वल टू l। छोटा आना चाहिए यानी इसके अंदर वाला डेटा। सो दिस इज योर टोटल एरिया, क्योंकि 2D का क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी बनेगी टोटल फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये बनेगी बात। अब हम बनाते हैं इसी के अंदर फेवरेबल एरिया की बात। x की वैल्यू l बाय टू से छोटा, y की वैल्यू l बाय टू से छोटा, ये है l बाय टू, ये भी है l बाय टू, दोनों l बाय टू है, और x प्लस वाई की वैल्यू l बाय टू से ज्यादा है, ये रहे l बाय टू, ये वाला पॉइंट L बाई टू है, ये वाला पॉइंट भी L बाई टू है। आप दोनों को ज्वाइन करा दो, ये डेटा आपके पास आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू L बाई टू। ठीक है, तो फेवरेबल एरिया आपके पास ये बनेगा, इससे ज्यादा हो लिखा हुआ है ग्रेटर देन दिस, और इन दोनों से छोटा हो, L बाई टू से छोटा, इससे छोटा। और ये वाला पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट है L बाई टू कॉमा L बाई टू। डेफिनेटली दिस विल लाई ऑन दिस लाइन, चेक कर लीजिए आप। तो सोच रहे होंगे सिर्फ प्रोबेबिलिटी में कहां से आगे कोऑर्डिनेट वगैरह आ जाती है बेटा। तो यहां बन गए हम बात, ये पॉइंट है L बाई टू, ये वाला पॉइंट भी है L बाई टू। अब देखिए फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया आपको करना है, प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई। सो टोटल एरिया कितना है इसका, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, ये लेंथ है L इसका, ये लेंथ भी है L इसका। सो हाफ L इंटू L, हाफ L इंटू L, और ये छोटा वाला सेगमेंट बना देंगे हम, ये टुकड़ा L बाई टू, ये टुकड़ा भी L बाई टू है। तो आ जाएंगे आप हाफ इस वाले ट्रायंगल का एरिया L बाई टू, L बाई टू। सो सिंपल सा आंसर है, 1/4 इज द आंसर, 1/4 इज द आंसर। सो बी मार्क कर देंगे हम इसके अंदर। तो आप शुरू से देख लो क्या क्वेश्चन था, कैसे लिखा हुआ था, आप वापस से देख लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके तीन टुकड़े आपको करने थे, एक मान लिया x है, दूसरा मान लिया y है, तीसरा हम z भी मान सकते हैं, लेकिन फिर हम एक कंडीशन बना देते कि तीनों का सम l आएगा जितनी लेंथ गिवन है, तो z की वैल्यू आ जाती l माइनस x माइनस y। ठीक है, तो अल्टीमेटली दो ही वेरिएबल बचते, एक l, एक x बचता, एक y बचता।
टोटल कंडीशन एक्स की वैल्यू जीरो से एल, वाई की वैल्यू जीरो से एल, और तीसरा वाला भी जीरो से एल रहेगा, तीसरी कंडीशन आ गई। ट्राइंगल रूल बनाना, ये हमारी फेवरेबल कंडीशन है। तो सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, फिर ये दोनों साइड्स का सम, फिर पहले और तीसरे साइड का सम, ये दिस इज फेवरेबल कंडीशन, दिस इज टोटल कंडीशन। तो दोनों में दो वेरिएबल मुझे दिख रहे थे, एक्स और वाई, तो कहानी चली गई 2D में। तो 2D में हमने बनाया इसका प्लॉटिंग, ये बनाया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टोटल कंडीशंस मैंने पहले ही हाईलाइट करके लिख ली कि क्या मैं चाहता हूँ और मेरी फेवरेबल कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, दोनों मैंने यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो जीरो से एल के बीच में इसको ऑसिलेट करा दिया, इसको जीरो से एल के बीच में ऑसिलेट करा दिया। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल, ये बनी लाइन, ये है जीरो से लेके एल के बीच में, और ये फेवरेबल वाली लाइन बना दी। तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, इसमें गलती कई बार क्या करते हैं हम, ये स्क्वायर ले लेते हैं, टोटल स्क्वायर नहीं आएगा, तीसरी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन रहेगा। सो ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो टोटल है, और जो रेड वाला है सिर्फ मैंने मार्क किया है इसके अंदर, एक्स एल बाय टू से छोटा, वाई एल बाय टू से छोटा, और एक्स प्लस वाई एल बाय टू से बड़ा, यानी इस ये लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि देखो दोनों के सिर्फ किस में अंतर है, कांस्टेंट में अंतर है, पॉइंट भी आप सेटिस्फाई करा सकते हो। तो ये टोटल एरिया बनेगा आपका डिवाइडेड बाय फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो ये एल बाय टू लेंथ, ये भी एल बाय टू लेंथ, हाफ एल बाय टू टोटल एरिया, हाफ एल इंटू एल, 1/4। दिखने में ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को कि शायद यार ये 1/4 आया कैसे, लेकिन ये क्वेश्चन हम बनाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डेटा बनकर आता है। आई होप आपने ज्योमेट्री वाले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख लिया होगा कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इस सेशन में आपने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं कराने के लिए, आप बोलेंगे तो मैं और करा दूंगा क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन छोटा ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में शाम को, जिसमें हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और आप बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, प्लस वाले प्लेटफॉर्म पर आप आइए और यूज़ करिए रेफरल कोड ओम सर, इट विल गिव यू एडिशनल 10% ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू सो मच, दशहरे की आप सभी को शुभकामनाएं।